नमस्कार, सलाम, हेलो, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। रोज़ लाइफ एक नया चैलेंज हमारे सामने ला के खड़ा कर रही है। मेंटल टफनेस इतनी ज़्यादा हो रही है। साल 2020 काश के हमारी लाइफ में कभी आता ही नहीं, स्किप हो जाता। अभी तो साल का आधा ही हुआ है और ये क्या क्या हमें दिखा रहा है। पहले COVID-19, उसने इतनी जानें ली, अभी तक ले रहा है। नेचुरल डिज़ास्टर्स, वेदर डिज़ास्टर्स, हमारे कराची में जो प्लेन क्रैश हुआ, हर एक खबर। रोज़ एक नया दिन शुरू होता है और नेगेटिविटी, हर एक बुरी खबर ही सुनने को आ रही है। सडन डेथ, हर एक खबर दिल को छू जा रही है। लेकिन अभी जो दो दिन पहले हुआ, सुशांत सिंह राजपूत, उसने सिर्फ दिल को ही नहीं छुआ, उसने उस खबर ने रूह कांप उठी हम सब की। पूरी दुनिया में जितने लोग थे सब रो पड़े इस खबर से, रूह को छू लिया उसने। कोई शब्द नहीं है कि क्या हुआ, इतना मेंटल डिप्रेशन था उन्हें कि उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा। क्या कोई नहीं था उनके साथ कि बात कर सके उनसे? ये हम तो नहीं बयान कर सकते कि उनके ऊपर क्या बीती, लेकिन आज दानिश मेरे साथ नहीं है यहाँ बैठे हुए, और मैं चाह भी नहीं रही थी कि वो इस टॉपिक को वापस से डिप्रेशन के ऊपर बात करूं, क्योंकि मुझे करनी भी थी ये बात, और मैं चाह भी नहीं रही थी कि वो बैठे मेरे साथ और वो उस चीज़ में वापस से जाए। क्योंकि डिप्रेशन क्या होता है ये उनसे अच्छा और कोई रिलेट नहीं कर सकता है। ही हैज़ गॉन थ्रू इट, और हम उनको इस चीज़ से बाहर कैसे लाएं वो हम जानते हैं। जब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमें कि दानिश भाई प्लीज़ शेयर करें कि आपके ऊपर जब बैन लगा और इतने साल आप अभी इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग अपने रखा, कैसे रखा हमें भी बताएं, मेंटल टफनेस कैसे होती है, तो हमारे साथ शेयर करें। दानिश बेटर शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन एज अ वाइफ हम भी उस चीज़ से गुजरे हैं और मैंने उन्हें देखा है किस तरह वो गुजरे हैं और किस तरह अपने आप को उन्होंने बाहर निकाला इस चीज़ से और हम उन्हें बाहर लेके आए एज अ फैमिली। जब दानिश को लाइफ बैन लगा 10 साल पहले, वो अपने करियर के पीक के ऊपर थे। एक छोटी सी गलती, सब कुछ ख़त्म, पूरी लाइफ एंड हो गई उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा क्रिकेट को जो है वो अपनी फैमिली से भी पहले रखा, इतना वो क्रिकेट के अंदर थे। लेकिन अभी जो आप दानिश को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग, वो भी इस चीज़ से गुजरे हैं। देवर टाइम, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए, स्टार्टिंग का फेज अब भी गुजर रहे हैं बेचारे। हर रोज़ एक नई वीडियो में यही अपील कर रहे होते हैं, ही स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइवलीहुड। और जब स्टार्टिंग का जो फेज था बहुत बुरा था, बहुत इतना टफ था उनके लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत सारे ऐसे मौके आए, बहुत सारे ऐसे पल आए, आई वुड से बहुत सारे ऐसे पल आए जहाँ ही वॉन्टेड टू एंड अप हिज लाइफ। बहुत सारी रातें ऐसी गुजरी जो उन्होंने जाग के रो के जिंदा लाश की तरह निकाली। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जो हम रो पड़ते थे उन्हें देख के। और हेल्थ इश्यूज़ कि हमें 3-3, 4-4 बजे उन्हें इमरजेंसी में ले जाना पड़ता था,
बहुत टफ टाइम था, लेकिन शायद उनके साथ उनकी फैमिली थी, हम खड़े थे उनके साथ, जो हमने उनको ये यकीन दिलाया कुछ भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है आपकी जान से ज़्यादा, वॉट मैटर इज़ यू, आप मैटर करते हो हमारे लिए, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में वो मैटर करती है। ये यकीन दिलाया कि नेवर एवर लूज होप, हर एक काली अंधेरी रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है, और माता रानी के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा। इस चीज़ ने दानिश को, टाइम लगा उनको बाहर आने में, लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने उनको स्ट्रेंथ किया, ताकत दी, उन्हें यकीन हुआ कि हाउ इम्पोर्टेंट ही इज़ इन आवर लाइफ। कोई चीज़, कोई गिल्ट, कोई कुछ भी दुनिया में बड़ी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती भी इतनी मायने नहीं रखती है, लाइफ से लाइफ है, होता रहता है ऐसा सब कुछ, लेकिन इस चीज़ ने हमें उनको और मज़बूत किया, और ही स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। दानिश वीडियो में आज इसलिए नहीं है मेरे साथ, फ़र्स्ट मैं चाहती भी नहीं थी कि वो बैठे और इस चीज़ से वापस गुजरे, सेकंड उनकी तबीयत ठीक नहीं है दो तीन दिन से, और फीवर वगैरह था, लेकिन एज आई सेड के हेल्थ इश्यूज़ उन्हें इतने स्ट्रेस से हो जाते हैं, हो गए हैं कि वो इज़ नॉट वेल, कम्प्लीटली वेल नहीं है, बहुत लो फील कर रहे हैं कि वो वीडियो बनाएं। वैसे भी हर दो दिन के बाद आप देखते हैं कि वो अपने लिए अपील ही कर रहे हैं, ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज लाइवलीहुड, ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग, प्लीज़ करने में लगे हुए PCB को, ICC को, ECB को, कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड और मेरी मदद करो। अभी भी डिप्रेशन में हैं, लेकिन एज आई सेड अब वो स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं, और आई होप कि उन्हें ये शक्ति इतनी मिले कि वो स्टे स्ट्रांग। दूसरी बात ये करना चाह रही थी कि हमें भी नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, जैसे कुछ कभी किसी खाने का हमने रख दिया, या गाड़ी का रखा, गाड़ी में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बहुत रूड कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि बोलता है कि पैसे नहीं हैं, गरीब है और खा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं। यू डोंट नो, आपको पता नहीं है कौन किस चीज़ से गुज़रा है, या गुज़र रहा है, या कैसे वो ऊपर आया है। आप क्या चाहते हैं, कटोरा लेके भीख मांगे आप लोग के आगे, जो लोग ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए? आप लोग, बहुत इजी हो जाता है ना किसी को ऐसे कमेंट करना, जज कर लेना, आप ट्विटर के ऊपर गालियाँ दे देना किसी को, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो हमारे हैं टीवी पे बैठ के, आप सोचते हो कि इंसान किस मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहा है, और आपकी जो फजूल की जो बातें, जो बकवास आप लोग कर जाते हो, वो इंसान को कहाँ छू जाए और किस तरीके से अफेक्ट कर जाए। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि खुदा या भगवान बनने की कोशिश ना करें, किसी को जज करने की कोशिश ना करें। आपको नहीं पता आपके कमेंट्स या आपका कोई भी वर्ड किसको कितना हर्ट करता है, या कर जाता होगा, या किसी की लाइफ चेंज हो जाती होगी। तो कंट्रोल रखें मुंह के ऊपर भी, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी जो होता है ना, एक नाम, एक इंसानियत, वो शो करे थोड़ा सा, हेट कमेंट्स ना करे। नहीं करना आपको, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो,
आपको यूट्यूब चैनल पे कोई पसंद नहीं आ रहा है, ट्विटर पे पसंद नहीं आ रहा है, अनफॉलो कर दें आप, मूव ऑन। लेकिन किसी को फजूल की बकवास करके किसी को हर्ट करना, ये इंसानियत नहीं है। किसी को जज करना, ये उन सब के लिए जो ये चीज़ें करते हैं, खुदा या भगवान बनने की कोशिश ना करें प्लीज़। आपके पास हक है बोलने का, सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा हक दिया है, आप लिख सकते हो, आप टीवी पे आके कुछ भी बोल सकते हो, दिल तो ना दुखाएं किसी का। इतना कर सकते हम, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। प्यार से रहें, मिलजुल के रहें और जज ना करें, वो उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें, वो बेटर जानता है कि इसको क्या करना है और क्या ना करना है। नहीं कहना था, थैंक यू। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दानिश की तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत लो फील कर रहे हैं, कुछ खाने को भी नहीं उन्हें अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि गर्मी भी बहुत है तो उनके लिए एक सरप्राइज़ बना दूँ। काफ़ी टाइम से कह रहे थे मुझे, और वो सरप्राइज़ ये है, पूड़ी बना रही हूँ और उसके साथ आमरस, क्योंकि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है खाने को और कुछ मीठा खाने को दिल से आ रहा था उनका, तो ये शायद उनका मूड थोड़ा अच्छा कर सके, आमरस और गरम गरम पूड़ियाँ। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम, कैसे हैं आप लोग? लास्ट टू थ्री डेज नॉट फीलिंग वेल, काफ़ी लो फील कर रहा हूँ, ब्लड प्रेशर भी लो है एट द लोअर साइड। आप लोग प्रार्थना करिएगा कि आई गेट वेल सून और जल्दी से फिट हो जाऊँ दोबारा से, और जो है और हम नई वीडियो बनाए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उसके भी मुझे जवाब देने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो सी यू गाइस सून, एंजॉय। देखते हैं कि आज मैं बहुत डाउन फील कर रहा था, सरप्राइज बनाया, थैंक यू सो मच। और आई वाज फीलिंग वो था कि थोड़ी एनर्जी के लिए थोड़ा कुछ खाने को वो कर रहा था मन के, मैंने क्योंकि इनका खाना खाने को मन नहीं हो रहा है तो कुछ मीठा खाने को मन हो रहा था, आई थॉट ऑफ गिविंग हिम सरप्राइज, आई होप ही लाइक्स इट। बाय, वेरी नाइस, थैंक यू, लव यू।